पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा, जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना, अब मेरे नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। सीमा हैदर या सीमा सचिन या सीमा कोई और, जी हाँ, अब तो कई नाम जुड़ने लग गए हैं सीमा के साथ। क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि सीमा वो लड़की नहीं है, सीमा वो महिला नहीं है जो आम सी महिला होती है। कैमरे के सामने फर्राटेदार तरीके से बात करना, कैमरे के सामने शर्माना, कैमरे के सामने हर सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं रहता। सीमा हैदर जिसकी तालीम केवल 5वीं और 6वीं कक्षा तक हुई है, और समझिए कि 5वीं और 6वीं कक्षा तक की तालीम जिस महिला की होती है वो कैमरे के सामने ऐसे बोल लेती है, कैमरे के सामने उसका एक्सप्रेशन कैसा रहता है हम आप जानते हैं, वो बोल भी नहीं पाती, लेकिन हर सवाल का जवाब देना ये क्या आम महिला के लिए आसान है? कौन है सीमा हैदर और क्या भारत सरकार को धूल झोंक दिया है? भारत सरकार को ताक पर रखकर सीमा हैदर यहाँ पर आई है, और चोरी छुपे तरीके से अगर सीमा हैदर रह रही थी तो सरकार ने आखिरकार इस पर काम क्यों नहीं किया? नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा, आज आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम सीमा हैदर को लेकर। जी हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बात मजहब की नहीं है, ये दो मुल्कों की बात है। वो मुल्क, एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जिसका भारत और पाकिस्तान के साथ जो 36 का आंकड़ा है, भारत और पाकिस्तान के मेल मिलाप कभी खाते ही नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से एक महिला भारत आती है चोरी छुपे तरीके से, और ग्रेटर नोएडा में रघुपुरा गांव में बहुत आराम से रहती है, हिंदू धर्म भी अपना लेती है, तुलसी पूजा भी करने लगती है, ये सब मामूली नहीं है। आज एक स्पेशल रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि सीमा हैदर ने वो तमाम बड़े खुलासे हमारे कैमरे के सामने कर दिए जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। देखिए एक रिपोर्ट। पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा, जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना, अब नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक और रिपोर्ट दिखाएंगे, सीमा हैदर से जुड़ा एक और ऐसा सच अब खुलेगा, ऐसा राज अब सीमा हैदर उगलेंगी जो ये बताता है कि भारत में उनका आना मामूली बात नहीं है। भारत में सचिन को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को जानती है सीमा, क्योंकि सोशल मीडिया और ये टिकटॉक और तमाम पबजी की जो शौकीन सीमा हैदर है, उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे लड़कों को इसमें फंसा कर रखा हुआ है। अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे इंटरव्यू के दौरान तमाम खुलासे सीमा ने किए। देखिए उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया ना सोना, सोना मेरा यही मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था, और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे? उन्होंने तो ऐसा बोला। आप कौन, अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया, झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले लेके खा के रह रहे हैं, और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू तो ही है वहाँ पे जेठमाबाद सिटी में शहर में, हिंदू लोगों से ये ब्याज ले लेके हिंदू कौम का ही वहाँ पे खा रहे हैं, ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे पस नहीं पता है वहाँ पे जो ब्याज कोई वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि वो जो जेठमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं तो उन्हीं से ले लेके खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्जी है, लोग उनके घर में हर महीने भागे भागे आते हैं, ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं सर। अच्छा, आपकी जो शिक्षा हुई है 5वीं अब तक आपने पढ़ाई की है, और 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद इतनी बेहतर, मतलब कि लोग बोल रहे हैं, हमने तो सुना नहीं कि बेहतर आप इंग्लिश बोल ले रही हैं, चीज़ें लोगों को समझा पा रही हैं, या इतना ज़्यादा आप मीडिया फ्रेंडली है, कैसे बिना कोई घर में अभी तक रहने वाली महिला ये कर पा रही है, कैसे कर पा रही है? ये मेरी जाहिर से सच सच है, मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए बगैर घबराए बोल रही हूँ। और दूसरी बात, ये मेरे साथ हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जब मैं जेल में बोलती थी
तो मुझसे बोला नहीं जाता था, रो रो के बोलती थी क्योंकि यहाँ इतना खौफ था तब। फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया तुम सच बोलोगी तो तुम्हारी जीत ही होगी, तो इसलिए मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए कोई डर नहीं है मेरे मन के अंदर। मरना एक दिन सबने है सर, पर मैं बेगुनाह ऐसे गंदी मौत नहीं मरना चाहती। एक दिन मौत मुझे भी आनी है, आप सब हर किसी को मरना है। जो मेरे पापा थे वो भी चले गए, दुनिया में कई लोग आए हैं चले गए हैं, मेरी भी मौत होगी एक दिन, पर इस तरह की मौत मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ ही, यहाँ अगर मौत आती भी है मैं यहाँ मरना चाहूँगी, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, और मैं सच ही बोल रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। अगर एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कल को पाकिस्तान एम्बेसी से लोग आते हैं यहाँ पर, जिसकी पूरी उम्मीद है पाकिस्तान एम्बेसी से, क्योंकि इनलीगल माइग्रेंट हुआ है, पाकिस्तान एम्बेसी भारत सरकार को रिक्वेस्ट डालती है कि आप इनको भेजिए, हम डिपोर्ट कर रहे हैं, उस समय सचिन जी आप एक पति के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और आप अपना भविष्य अब कैसे देख रहे हैं? सर पहले तो मैं ये विनती करूँगा कि ये यहाँ से नहीं जाए, और हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये सब ना हो, और मेरी विनती बस यही है कि ये यहीं पर रहेगी और यहाँ की इसे नागरिकता दी जाएगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया मासूम सी दिखने वाली, भोली भाली दिखने वाली सीमा हैदर, कोई मामूली महिला नहीं है, कोई मामूली औरत नहीं है, और सीमा हैदर का बड़ा कनेक्शन आईएसआईएस आतंकी गतिविधियों और तमाम के साथ देखा जा रहा है। तो क्या आपने दर्शकों को ये बताएं कि सीमा हैदर को लेकर जो बात निकल कर सामने आई है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि सीमा भोली भाली महिला नहीं है, सीमा का मकसद कुछ और था, और जब एटीएस की गिरफ्त में आती है तो अब ये देखा जा रहा है कि तमाम बड़े खुलासे अब सीमा धीरे धीरे करती नजर आ रही है। तो क्या अब सरकार जिस तरीके से एक्टिव हुई है, और सरकार का एक्टिव होना ये बताता है कि सरकार ने बहुत देर कर दी, लेकिन क्या अब वो तमाम राज सीमा हैदर उगलेंगी जो राज उन्होंने छुपा कर रखे हैं, और क्या सीमा हैदर का असली नाम ही कुछ और है? तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं इस पर लगातार बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।